नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में भीम संसद जागृत रथ को दिखाई हरी झंडी। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या 4000 हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में 1000 बुद्धिजीवियों के साथ करेंगे बैठक। योगी कैबिनेट की बैठक आज, कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी की अभद्र टिप्पणी का मामला, संसद के विशेष अधिकार कमेटी की आज बैठक। चीनी वाणिज्य दूतावास में टक्कर मारने वाले कार ड्राइवर को सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने मारी गोली। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्ला खान के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। इसराइल के हमलों में 704 फिलिस्तीनियों की मौत, मरने वालों में 143 बच्चे भी शामिल। हमास के हमले में मारे गए 900 इजरायली नागरिक, 30 से ज्यादा बंधक। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।